जय मीनेश शिक्षण संस्थान की ओर से फागी में मीणा समाज का 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें गरीब परिवार के 27 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और कन्यादान में गृहस्थी के काम में आने वाला करीब 1,00,000 रुपए का सामान दिया गया। संस्थान हर साल पीपल पूर्णिमा को विवाह सम्मेलन का आयोजन करता है। संस्थान ने अब तक 825 जोड़ों का विवाह करवाया है। सम्मेलन में प्रदेश भर से मीणा समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन के मुख्य आयोजक और जय मीनेश शिक्षण संस्थान संरक्षक केसी घुमरिया ने बताया कि मीणा समाज का पहला विवाह सम्मेलन एमपी में हुआ और उससे प्रभावित होकर समाज के गरीब परिवारों की मदद के लिए संस्थान पिछले 14 साल से यह प्रयास कर रहा है। सम्मेलन में समाज के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। मीणा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भंवरलाल मीणा को मीणा समाज रत्न से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण झवरवाल को मरणोपरांत समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षण संस्थान में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। देखो, आज मीणा समाज का ये 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 27 जोड़ों का विवाह हो रहा है और लगभग 4-5 हज़ार लोग मौजूद हैं। ये हम हर साल पीपल पूर्णिमा को करते हैं और आज तक यहाँ लगभग 800 जोड़ों की शादी हो चुकी है। इसमें समाज के सभी भामाशाह और जो भी लोग सक्षम हैं वो अपना योगदान देते हैं और उनके सहयोग से हम बहुत विधि विधान से इज्जत के साथ बहुत ही सही ढंग से अच्छे तरीके से ये शादियाँ करते हैं। बच्चों को सब सामान देते हैं, सबका खाना होता है। हमारे भामाशाह अलग अलग अपने आप स्वेच्छा से इसमें सहयोग करते हैं और हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, आज का जो 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है वो राष्ट्रीय मीणा महासभा की फागी और दो इकाइयों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ जहाँ ये सामूहिक विवाह संपन्न हो रहा है इन दोनों इकाइयों ने ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना दिया है, उसके लिए छात्रावास भी बना दिया है और पिछले 10 साल से ये कॉलेज चल रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक